कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए जोधपुर के जिला कलेक्टर ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से कई श्रेणियों में अतिरिक्त चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की मांग की है। जोधपुर CMHO बलवंत मंडा ने बताया कि गांव में हेल्थ सिस्टम को सुधारने के लिए अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे में एक और CMHO के साथ दो ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति की भी मांग की गई। ये जिस तरीके से पदों की जो हमारी वर्तमान स्थिति है उसको देखते हुए लगातार जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग राज्य स्तर से जो निर्देश प्राप्त हो रहे हैं उसके अंतर्गत निरंतर इसके अंदर भर्तियां कर रहा है। जिस तरीके से सबसे पहले तो CHO की जो हमारी वैकेंसीज थी, CHO के अंदर 847 हमारे पास में CHO प्राप्त हुए हैं, बहुत बड़ी संख्या है। और ग्रामीण क्षेत्र में संक्रमण को देखते हुए हमने प्रत्येक ग्राम स्तर के ऊपर जो हमारा सब सेंटर है वहाँ पर इन सभी को पदस्थापित भी किया है, और उसके साथ में शहरी क्षेत्र में जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी इनकी सेवाएं हम ले रहे हैं। उसके अतिरिक्त जो हमारा UTB नर्सेज हैं उसके अंदर भी 100 पोस्ट के लिए हमने 100 पदों के ऊपर उसमें नियुक्तियां दी है। उसके अलावा लैब टेक्नीशियन की जो 40 पदों की भर्ती प्रक्रिया है वो अंतिम चरण के ऊपर है। इसके साथ ही जो राज्य स्तर से निर्देश प्राप्त हुए हैं कोविड हेल्थ कंसल्टेंट और कोविड हेल्थ सहायक, कोविड हेल्थ कंसल्टेंट की भर्ती 55 पदों के लिए हमने निकाल दी है, 2-3 दिन के अंदर उसको भी पूर्ण किए जाने की संभावना है। और कोविड हेल्थ सहायक की अभी हमारे प्रक्रियाधीन है। उसके साथ ही जो रिक्रूटमेंट हम कर रहे हैं उसके मेन पावर की जो हैंड होल्डिंग है, जो ट्रेनिंग पार्ट है, वो मेडिकल कॉलेज स्तर पर और एम्स प्रशासन दोनों से समन्वय स्थापित करते हुए उसको हम निरंतर करवा रहे हैं।